डिस्क्लेमर, इस वीडियो में आपको जबरदस्ती एक थ्री फिंगर की बेस्ट एचयूडी बताई जाएगी जो कि आपको देखनी पड़ेगी, और साथ ही में एक बहुत ही कठिन सवाल पूछा जाएगा और जो भी सही जवाब देगा उसे मिलेगी 4 घंटे के लिए कृतिका की बुक। बुक का नाम है कृतिका, कमीनो बुक का नाम है। तो यार देखो, ये है एक नॉर्मल वर्ल्ड जिसमें हम सभी के सभी रहते हैं, चुपचाप अपना काम धंधा करते हैं और काम से काम रखते हैं। लेकिन इसके एक छोटा सा आजू बाजू में ना एक और वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है फ्री फायर का वर्ल्ड। इस वर्ल्ड में भाई सभी के सभी जानवर, सुअर और तेंदुए जानवर रहते हैं एकदम। इस वर्ल्ड का जब कोई प्राणी मेरी वीडियो देखने आता है तो आधे बंदे कमेंट करते हैं कि भाई वीडियो बहुत अच्छी थी भाई, भाई मजा ही आ गया भाई। कुछ बंदे बोलते हैं कि भाई बहुत बेकार थी, दोबारा मत दिख जाइयो। कुछ एचयूडी मांग रहे होते हैं तो कुछ बंदे अपने कमेंट को लाइक करने का जुगाड़ ढूंढ रहे होते हैं। कोई भिखारी जितना अपनी पूरी जिंदगी में गरीबी नहीं देखता उससे ज्यादा तो ये बंदे कस्टम एचयूडी पे वीडियो देख चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक बात की गारंटी दे रहा हूँ कि चाहे कस्टम एचयूडी के ऊपर तुमने लाखों वीडियो देख ली हो, लेकिन एचयूडी की फुल फॉर्म तो तुम में से एक को ना पता हो। योर क्वेश्चन। तो गाइस कोई भी सही जवाब नहीं दे पाया है मेरे सवाल का, इसीलिए अब कृतिका किसी को नहीं मिलेगी। अब देखो जनरली क्या होता है कि जब भी आप कोई भी थ्री फिंगर एचयूडी पे वीडियो देखते हो तो ज्यादातर में क्या देखते हो कि लोग क्या करते हैं कि किन्हीं भी ना 5 बंदों की कस्टम एचयूडी दिखा देते हैं या फिर अपने कस्टम एचयूडी दिखा देते हैं। और तुम लोग सोचो कि मैं भी इसी वीडियो में यही करने वाला हूँ, तो तुम एकदम सही सोच रहे हो। हाँ भाई सुन ना, संभाल लेके पहुंच और बंदे लोग को भी कॉल कर दे। तो ये है एकदम डिफॉल्ट कस्टम एचयूडी, ठीक है, एकदम रीसेट मरी हुई कस्टम एचयूडी। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इमोट मारने वाले को कहाँ रखना है। अबे बोटो तुम्हारी दम है, तुम मेरे सामने एक भी कदम चल के दिखा दो चौकीदारों। चल चल के दिखा। तो देखो सिंपल बात यह है कि भाई थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी में ना सिर्फ 7 बटन्स ही जो होते हैं वो काम के होते हैं। रन बटन, स्विच, लेफ्ट फायर, ग्लू वॉल, ड्रैग, जंप एंड सेट। और इन सभी बटन्स की प्लेसमेंट से ही आपको एक बेस्ट थ्री फिंगर कस्टम एचयूडी मिलती है, ठीक है। अदरवाइज चाहे आप अगर आप गलत प्लेसमेंट रखोगे तो फिर चाहे कितनी भी प्रैक्टिस कर लो कोई फायदा नहीं है। और इन 7 में भी ना 2 बटन ऐसे हैं जो कि भाई यूनिवर्सल, चाहे मार्स पे जाके खेलो चाहे प्लूटो पे जाके खेलो, आपके वो 2 बटन उधर ही फिक्स रहेंगे। मतलब ये जो रन बटन है ये इधर ही रखा जाएगा और थंब से ही इसको कंट्रोल करना है, और ये जो ड्रैग फायर बटन है इसे इधर रखना है और इसे राइट थंब से कंट्रोल करना है। तो जंप बटन और लेफ्ट फायर बटन को तो कंट्रोल करना है सिर्फ और सिर्फ 3rd फिंगर से, ठीक है। और रन बटन और ग्लू वॉल बटन को कंट्रोल करना है अपने लेफ्ट थंब से, और राइट साइड वाले थंब से कंट्रोल होगा आपका ड्रैग फायर बटन, वो तो बेसिक है, और क्राउच बटन, और साथ में एक स्कोप भी रख सकते हो, ठीक है। और शुरुआत में ना वेपन स्विच का बिल्कुल यूज मत करना क्योंकि भाई वो उससे ना काफी ज्यादा टिपिकल हो जाती है कस्टम एचयूडी, फिर आप लोग संभाल नहीं पाओगे उसको। तो इस टाइम पे देखो कस्टम एचयूडी तो बनके तैयार हो चुकी है। बट ये कस्टम एचयूडी मैंने अपनी एक और वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है, पहले मैं। और ये कस्टम एचयूडी मेरे लिए तो वर्क करती है, बट जरूरी नहीं है कि आपके लिए ये वर्क कर जाए, क्योंकि एक सिंपल सा फंडा है, अगर आप उसको समझ जाओगे ना तो आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। वो ये है कि हर एक फ़ोन का जो स्क्रीन साइज होता है ना वो अलग अलग होता है। जैसे कि मेरा जो Realme 8 5G वाला फ़ोन है उसका जो स्क्रीन साइज है वो 16.5 सेंटीमीटर के अराउंड है, ठीक है, जो कि काफ़ी बड़ा साइज है भाई, काफ़ी बड़ा फ़ोन है वो। वहीं जो मेरा iPhone 13 है इसकी स्क्रीन साइज काफ़ी छोटी है उससे, Realme के मुकाबले इसकी स्क्रीन साइज है समथिंग 15 सेंटीमीटर के आसपास। और जो मेरा Jio फोन है ये तो भाई बेचारा और पीछे रह गया, ये भाई 2.5 सेंटीमीटर है भाई, बहुत छोटा है इसका। बड़े फ़ोन में तो हम लोग थोड़ा सा गैप दे दे के भी बटन को रख सकते हैं, लेकिन छोटे फ़ोन में कैसे गैप देंगे, वो तो खुद गैप मांग रहा है। इसीलिए मैं आपको सिंपल सी एक चीज़ बता देता हूँ कि रन बटन तो इधर ही रहेगा और फायर बटन भी इधर ही रहेगा, ठीक है, बाकी तुम लोग कुछ भी हिला लो। I mean, बटन्स को आप लोग इधर उधर रख के अपनी एक बढ़िया सी कस्टम एचयूडी डिज़ाइन कर लो। लेकिन वही बात आ गई कि तुम लोग बोलोगे कि भाई यार हमने कर रखी है कस्टम एचयूडी डिज़ाइन, हमसे नहीं होता वो अलग गेम प्ले, ठीक है, हमने कर रखी है डिज़ाइन, तेरे बोलने से पहले कर रखी है नूबड़े। तो ठीक है, जो तुमने कस्टम एचयूडी डिज़ाइन कर रखी है ना उसके अंदर मेरे ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई कर देना। अगर ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई हो गए तो वो आपकी कस्टम एचयूडी सही है, अगर नहीं हुए तो उसमें चेंजेस की ज़रूरत है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि जाके भी चेक करना कि क्या आप अपने रन बटन और स्विच बटन को एक ही फिंगर से कंट्रोल कर रहे हो। अगर कर रहे हो तो ये एक बहुत बड़ी गलती है। फिर चेक करना कि क्या आप अपने ग्लू वॉल बटन और क्राउच बटन को भी एक ही फिंगर से कंट्रोल तो नहीं कर रहे। अगर कर रहे हो तो भाई ये भी बहुत बड़ी गलती है, इस पर भी ध्यान देना, ऐसा नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। और अगर लेफ्ट फायर बटन को रख तो रखा है लेकिन फिर भी उससे ग्लू वॉल नहीं लगा रहे तो ये भी एक बहुत बड़ी गलती है। जिस भी बंदे की एचयूडी में ये 3 पॉइंट सेटिस्फाई होंगे
उसकी कस्टमर चूड़ी तो बिल्कुल भी गलत नहीं हो सकती। जिसकी में नहीं होंगे वो तो पक्का कहीं ना कहीं बटन्स में फंसेगा, कोई ना कोई मूवमेंट करते समय वो फंसेगा, उसका हाथ पक्का कहीं ना कहीं फिंगर्स में वो फंसेगा। इसीलिए इस चीज का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो और जाके चेक करो और उसे सुधारो, ठीक है। इसे सुधारना बिल्कुल मस्ट कंपलसरी है, ठीक है, इसे सुधार लेना। और अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो भाई प्लीज लाइक मारना, ठीक है। आजकल थोड़ी वीडियो लेट हो रही है क्योंकि मैं कुछ और भी कामों के अंदर फंसा हुआ हूँ, जल्दी वो आपको काम भी दिख जाएगा, तो थोड़ा सपोर्ट बनाए रखना। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय।